बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। आज हम प्रॉन्स कढ़ाई बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, 500 ग्राम मैंने प्रॉन्स लिए हैं जो छोटे हैं, श्रिम्प्स कह लें बल्कि इनको। इसमें मैं थोड़ा सा नमक धो के मैंने वॉश कर लिए हैं और नींबू लगा के इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। हाफ नींबू इसमें मैं लगा रही हूँ, इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इसकी जो एक प्रॉन्स की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी इससे। और मैंने इसको धो के बहुत अच्छे से साफ कर लिए हैं। देखिए, अब एक पैन में मैं 3/4 कप ऑयल ले रही हूँ और ये जो हमने प्रॉन्स रखे थे इसका हमने वो नींबू और नमक का जो पानी था वो हमने हटा दिया है और अब इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हम 5 to 6 मिनट बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। देखें, इसमें पानी छोड़ना शुरू हो गया, कितना सारा पानी छोड़ गया इसके अंदर। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें और इसको भी हम बहुत अच्छे से तलेंगे। बहुत डिफरेंट टेस्ट की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसको फ्राई कर लिए और देखें पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने फाइन चॉप करके रखी है अंडे वाली, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी हम साथ साथ तलते रहेंगे। इतना पकाएंगे कि प्याज अच्छे से हमारी पक जाएगी। ये इसमें मैं 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, बारीक कटी हुई बिल्कुल, साथ में ही ऐड कर दिए मैंने। अब ये मैंने 3 टमाटर लिए थे बड़े साइज के, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए थे। ⅓ टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड क्रश चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। सॉल्ट इसलिए मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ कि हम पहले भी इसमें सॉल्ट लगा चुके हैं, थोड़ा सा ढक दिया था ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएं। देखिए हमारे टमाटर गल गए। अब ये भुना कुटा जीरा और धनिया है, इसको मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी इसलिए ऐड करते हैं इसके अंदर लाजमी के जो एक प्रॉन्स की जो स्मेल होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। जो हरी मिर्चें बाकी कट बची हुई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ अभी इस वक्त। थोड़ी सी अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, धनिया। देखें बिल्कुल ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और ये हमारी इतनी अच्छी सी कढ़ाई तैयार हो गई है बिल्कुल। देखें कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके फीडबैक मुझे मिलते रहते हैं, कमेंट पढ़ना आपके बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें।
देखिए कितनी ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत बहुत मज़े की लगेगी आपको इसको। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।